हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो भी स्टडी एनालिसिस करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस एंड अगर ट्रेडिंग पर्पस है। ट्रेड करने से पहले जो स्टडी एनालिसिस कर लें, क्योंकि दिए हुए लेवल पे कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। तो सबसे पहले निफ्टी में आज देख रहे हैं अच्छा खासा तेज़ी देखी गई है और ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है अच्छा खासा, लगभग 11 लाख शेयर ऐड हुए हैं। मीन्स आप देखेंगे सॉरी 1,15,000 शेयर नए ऐड हुए हैं और आधा पौने 1% मीन्स कि 0.62% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। वॉल्यूम में थोड़ा सा गिरावट देखी गई है, फिर भी मार्केट में जो नीचे से बाउंस देखा गया और स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक अच्छा खासा बाउंस देखा गया है, ये बाउंस एक्सपेक्टेड लाइन पे हुआ है। और जिस तरीके से लाइव वीडियो में मैंने आज शेयर किया था वही उसी व्यू पे अभी भी बरकरार हैं हम। और स्टॉक स्पेसिफिक अच्छा खासा तेज़ी देखी गई है जिसमें से अदानी पावर, एस्कॉर्ट, स्टार, जी इंटरटेनमेंट, NIT, टॉरेंट पावर में अच्छा खासा बाइंग देखी गई है और विथ हाई ओपन इंटरेस्ट के साथ में। लेकिन लूजर स्टॉक में ONGC, PFC में अच्छा खासा, IGL में गिरावट हुई है। तो इन स्टॉकों का भी व्यू देखेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस जानेंगे कल का मार्केट में क्या हो सकता है। तो निफ्टी का लेवल क्या है क्लोजिंग जो है उसके बेसिस पे कल का क्या इम्पोर्टेंट लेवल है, और वीकली जिस तरीके से मैंने आप लोगों को शेयर किया था। तो सबसे पहले निफ्टी जो है 11,000 वीकली क्लोजिंग के ऊपर बंद हुआ है। मीन्स कि वी जो फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे अप ट्रेंड का जो अपसाइड का मूवमेंट है उसके ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो ये दिखाता है कि निफ्टी वीकली तेज़ी में आ चुका है। लेकिन इम्पोर्टेंट टारगेट जो है, जो मैंने आज लाइव मार्केट में भी बोला था 11,990, ये एक इम्पोर्टेंट टारगेट है। और उसके लिए कल का बाज़ार में जो मूवमेंट ऊपर की तरफ रहेगा 11,913 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 11,940 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, और 940 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हम 980 तक के टारगेट को देख सकते हैं कल के इंट्राडे में। लेकिन नीचे कहाँ पे सपोर्ट है 11,830, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो 790 के आसपास दोबारा से आएगा और फिर 790 का लेवल बिल्कुल भी वीकली बेसिस पे ये सपोर्ट का काम करेगा और इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे जाता है और क्लोजिंग नहीं दे और फिर से हम अप ट्रेंड 8,846 के ऊपर सस्टेन करें तो अच्छा खासा तेज़ी रहेगा। वरना अगर किसी भी कारणवश नीचे की तरफ क्लोजिंग देता है तो फिर देखने वाली बात हो जाएगी। तो एज फॉर माई व्यू नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है जो मेरा व्यू है। लेकिन 846 के ऊपर सस्टेन करना तो 980 का टारगेट इंटैक्ट है, अभी बाज़ार में ये दर्शाया जा रहा है जो टेक्निकल लेवल के बेसिस पे। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द निफ्टी। तो आगे हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। बैंक निफ्टी का क्या क्लोजिंग हुआ है, और जिस तरीके से लाइव मार्केट में मैंने आके बोला था कि बैंक निफ्टी में 31,300 के ऊपर क्लोजिंग होना एक इम्पोर्टेंट रहेगा और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 31,800 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं वेडनेसडे तक। तो कल का लेवल क्या रहेगा, तो कल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस फेस करेगा 31,800 का टारगेट, तो 31,620 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है तो 620 तक के टारगेट आसानी से आ जाएगा, लेकिन 620 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, तो 800 का टारगेट देखे जा सकते हैं। लेकिन ये टारगेट वेडनेसडे तक तो बिल्कुल आ जाना चाहिए जो मेरा व्यू है। तो ये रहा एनालिसिस फॉर द बैंक निफ्टी वीकली एंड इंट्राडे। और नीचे जो सपोर्ट है 31,140 जो वीकली बेसिस पे मैंने आप लोगों को बोला था। तो रहा ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक जानने की कोशिश करेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सरकारी कंपनी में बैंक ऑफ बड़ौदा जो है मुझे अच्छा दिख रहा है टेक्निकल चार्ट पे, लेकिन मैं किसी भी स्टॉक को बाई या सेल के लिए सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा व्यू जो है एजुकेशनल पर्पज़ से ही है। तो ये रहा
123.50 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा, इसमें एक अच्छा खासा तेजी आएगा और वीकली टारगेट जो है 127 और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 133 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं और उसके ऊपर का भी टारगेट हम देखेंगे। अगर वीकली ब्रेकआउट जो है ऑलरेडी वीकली ब्रेकआउट के आसपास का ही क्लोजिंग कर रहा है लेकिन 129-123 के ऊपर सस्टेन करेगा तो अच्छा खासा हम 140-145 तक के टारगेट देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। इस हफ्ते का टारगेट 127.50 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है। अगर इस वेडनेसडे तक इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 133-135 के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का एनालिसिस। अगर हम सेकेंड स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया का देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया सबको पता है, जिस तरीके से मैं पीएफसी आरडीसी की बातें करता था आजकल नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप सबको पता है कि पीएफसी आरडीसी में अच्छा खासा ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर रहा है। बाजार कैसे भी है, बहुत सारे स्टॉक नीचे नया 52 वीक लो बना रहे हैं लेकिन वो सारे पीएफसी आरडीसी अच्छा खासा हाई पे चल रहा है। आज थोड़ा सा करेक्शन देखा गया है लेकिन करेक्टिव रैली में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए। तो ये रहा, अगर बैंक ऑफ इंडिया का लेवल देखेंगे तो बैंक ऑफ इंडिया का जो लेवल है वीकली ब्रेकआउट हुआ है तो इस हफ्ते का टारगेट जो है 95 रुपीज़ के ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा तो 99 और 100 तक के भी टारगेट देखे जा सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में। लेकिन ऊपर का जो रेजिस्टेंस है ऊपर का जो टारगेट है, जो हमारा इंपॉर्टेंट टारगेट जो है हमारा 95 का है, 95 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 101-102 तक के मूवमेंट को देख सकते हैं। तो चलिए यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, कोशिश करेंगे हम उसका जवाब देने का। और एस्ट्रोलॉजिकल और टेक्निकल व्यू आपको लर्न करना है तो आपके शहर सूरत और अहमदाबाद में मैं 2nd week of July में आने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।